अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं लेकर आई हूँ एक मज़ेदार रेसिपी। तो जी वो है जी चिकन 65। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? मैंने लिया है चिकन बोनलेस 500 ग्राम। साथ में ये मैंने चीज़ें ली हैं रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर, नमक, हल्दी, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ज़ीरा। सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। साथ ही साथ ऊपर मेंशन कर दूंगी मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लेमन और 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दही। ठीक है? अच्छा दी, दही से ये होगा कि इसकी सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब ऐड करूंगी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, जो जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ और जो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब ऐड करूंगी मैं इसके अंदर अंडा। अंडे से ये होगा कि जो चिकन है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत टेंडर होके बनेगा, बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बाकी चीज़ें साइड पे कर देती हूँ और मैं इसको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेती हूँ, जो सारे मसाले, अंडा और दही मैंने ऐड किया है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाता है जी रेड फूड कलर, जो मेन चीज़ है जिसे हमने इसका कलर इन्हेंस करना है। जो चिकन 65 है वो होता ही रेड कलर का है, तो रेड फूड कलर आपने नहीं भूलना। पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं या फिर आप लिक्विड जो भी ऐड करें। अब लूँगी मैं 1 टेबल स्पून मैदा और ये है जी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इन दोनों चीज़ों को भी ऐड करेंगे, क्रिस्पीनेस जो है वो इन दोनों चीज़ों से ही आएगी। इसको मिक्स कर लेंगे और दूसरी साइड पे मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने रखा हुआ था। अब मैं सारा का सारा जो चिकन है उसके अंदर ऐड कर दूंगी। चिकन का साइज़ आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना है और उसका इस तरह का ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ना हो ना ज़्यादा छोटा हो। ठीक है, ये सारा का सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आँच आप लोगों ने थोड़ी नॉर्मल रखनी है, उसके बाद आपने तेज़ करनी है। चले जी, यहाँ पे मैं इसकी सॉस बनाने लगी थी, उसके लिए भी मैं इसके अंदर पहले थोड़ी सी दही ऐड करूँगी, फिर हॉट सॉस। हॉट सॉस से बहुत स्पाइसी और बहुत मज़े का होता है, आप लोगों ने अपने हिसाब से ऐड करनी है। किसी को ज़्यादा पसंद होता है और किसी को कम। और उसके बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी टमाटो केचप, जो नॉर्मल टमाटो केचप होती है। उसके बाद 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर सोया सॉस ऐड होगी। अच्छा, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इतना करना है कि ये एक फाइन पेस्ट की तरह बन जाए, दही जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके अंदर भी आपने थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करना है। कोशिश करनी है कि आपने फूड कलर जो है वो लिक्विड लें, वो अच्छे से डिजॉल्व होता है। मेरे पास पाउडर था इसलिए थोड़ा अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो रहा था, ना ही कलर आ रहा था। यहाँ पे जी ये देखिए, मैं इसकी साइड चेंज करके दिखाती हूँ। अच्छे तरीके से पक रही है एक साइड और इसकी साइड इसी तरह चेंज कर देनी है। पहले आंच जो है वो इसकी लो रखनी है, बाद में थोड़ी सी तेज कर देनी है। आहिस्ता पकाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक पक चुका होगा। ये आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ के दिखा रही हूँ। अब ये ऑलमोस्ट पक चुका है, मैं इसको एक प्लेट में अलग से निकाल लेती हूँ। जो थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं वो मैं थोड़े ठंडे करके उनको निकाल लूंगी। ले जी, अब लेते हैं एक फ्राई पैन, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल। उसके अंदर मैंने 3 लहसुन के जवे, लहसुन के जो पीसीज हैं उनको बारीक बारीक कट कर लिया था। उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि उसका कलर निकल आए। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद 5 से 6 आपने ग्रीन चिलीज बारीक वाली लंबी लंबी काट लेनी है। ठीक है, उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद जो मेन चीज़ है इसके अंदर, कड़ी पत्ता, जो फ्रेश लीव्स हैं, कड़ी लीव्स, वो आपने ऐड कर देने हैं, क्योंकि इसका जो मेन चीज़ ही यही है चिकन 65 की, इसकी खुशबू आती है कड़ी पत्ते की। अच्छा, अब क्या करना है, इसके अंदर मैंने जो सॉस बनाई हुई थी वो सारी की सारी ऐड कर देनी है। थोड़ी सी थिक हो गई थी, मैंने इसके अंदर पानी ऐड करके इसके अंदर निकाल लिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह के बबल्स आना शुरू हो जाए आपकी सॉस के अंदर, तो आपने इसके अंदर अपना सारा का सारा जो चिकन फ्राई किया हुआ था वो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स कर करके आपने जो सॉस है वो इसके अंदर डिजॉल्व कर लेनी है, ताकि वो इसके अंदर सारे का सारा जो मसाला है वो अब्जॉर्ब हो जाए। आँच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, इतनी स्लो हो कि पता भी ना चल रहा। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट में मुझे यहाँ पे ये जो तिल है, वाइट सेसमी सीड्स, ये मुझे लगाना पसंद है। मैं लगा के छोड़ दूंगी और इसके ऊपर लेड लगा दूंगी। ये देखिए, लेड उतारने के बाद जो है, जो सारी सॉस थी चिकन ने अब्सॉर्ब कर ली थी। मैं यहाँ पे आपको लाइव
तोड़ के खा के बताती हूँ कैसा ये बना है। देखें, मैं ट्राई करने लगी हूँ। मैंने इसके दो पीसेस कर लिए थे, काफ़ी गर्म था, ठीक है, बहुत मज़े का बना है, खुशबू बहुत अच्छी है। तो गर्म है, यकीन जाने, प्रॉमिस, जो मैंने खाया था सेम ऐसा बना है, बल्कि उससे भी बहुत अच्छा बना है और बहुत सॉफ्ट है। वो बाज़ार से लिए थे, थोड़े हार्ड थे, मे बी अच्छे से स्टीम ना किया हो या कुछ। तो आप लोग ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि किस तरह का बना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, और ये वाकई ही बहुत मज़े का था। तो आप लोग भी ट्राई करें, मुझे बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।